और गाइस पिछली से पिछली वीडियो में ना हम हॉन्टेड जंगल में गए थे, अंदर तक डीप चले गए थे और वहाँ पे भाई एक सुनसान घर सा बना रखा था जिसपे ताला लगा हुआ था और जंगल में से भाई कुछ नजर आ रहा था। जंगल में देखो तो गायब हो गया एकदम से, दिखा भाई नहीं कुछ। मैं सोच रहा हूँ गाइस अभी ना 8:30 हो रखे हैं, तो जगह को चेक करके आते हैं। गाइस बाइक को भी जाते हैं क्योंकि भाई छोटे वाले चाचा बता रहे थे कि भाई बाइक का रास्ता भी है वहाँ पे। गाइस फाइनली भाई उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे हमने मैगी बनाई थी, हमारी प्लेट वगैरह ही पड़ी है और यहाँ पे आग जलाई थी, लकड़ियाँ पड़ी। और गाइस सामने वो वाला घर है, पहले सामने ना जंगले में देखते कुछ है या नहीं है। ध्यान रखना कोई भी ज्यादा क्लोज नहीं जाएगा आसू भाई, ज्यादा पास मत जाना भाई ठीक है। भाई यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है, ये देखो क्या था क्या था क्या था, कौन है कौन है, फोन कर लो। एक काम करेंगे इधर ना ड्यूक को लेके आएंगे कभी रात में। आशु क्यों नहीं मिल रहा यार, बहुत देर होगी। आशु है ही नहीं यहाँ पे, अपने बाइक के पास जा रहे हैं। क्या पता बाइक के पास हो वो। आवाज नहीं आई भैया। आवाज आई, वो आवाज आ रही है वहां से। चुप हो जाओ भाई। आवाज आ, भाग लो भाई भाग लो। क्या हो गया आशु, क्या हो गया, कहाँ गया वो? पैदल ही भाग गया, वो पैदल ही भाग गया। गाइस यहाँ पे ना लिटरली इतना डर लग रहा है, मतलब बाइक के पीछे बैठने में भी डर लग रहा है। बाइक ना भाई बहुत ज्यादा फिसल रही है, डर लग रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा। चाचा भी आगे चले गए स्कूटी लेके। गाइस फाइनली घर पे आ गए और आशु ना निकल नहीं रहा बाहर, अंदर बंद हो गया। क्या हो गया आशु, आशु क्या हो गया भाई? ये नंगे पैर ही भाग गया है, अपनी चप्पल भी छोड़ गया है वहाँ पे। सुन तो ले, कुछ नहीं सुन रहा भाई। अच्छा बाहर घूम ले, बाहर ठंडा। गाइस ये कह रहा है कि मतलब यहाँ पे ताला लगा हुआ है, कह रहा नीचे बैठा था दिखा नहीं, वीडियो में भी आया मतलब ये था ही नहीं वहाँ पे।